स्वागत है सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं लैंडाउ। और हाँ, ये कल जाते जाते जैसिका ने अपना एक ब्रोशर या पैम्फलेट टाइप का दिया, बढ़िया एकदम, उसके प्रोजेक्ट का, बैचलर प्रोजेक्ट का फाइनल थीसिस का, तो अच्छा है काफ़ी है। तो उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और आज लैंडाउ की ट्रिप के लिए निकलते हैं। तो फाइनली हॉप ऑन ऑफ के अंदर आ गए हैं और यहाँ से अब अपनी ट्रेन पकड़नी है लैंडाउ के लिए। तो वैसे यहाँ नॉए स्टार्ट में ट्रेन में बैठ गए और चेंज भी कर लिए। वैसे पहले प्लेटफॉर्म 5 से ट्रेन थी, लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 से है और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे लैंडाउ। तो फाइनली लैंडाउ तो अपन पहुंच गए हैं। ये भाई हेज एंटोनियो और ये हमारा अभी हॉप वन ऑफ है। तो देखा होगा लैंडाउ तो अपन पहुंच गए हैं। और वैसे नॉए स्टार्ट पहुंचने में आधा घंटा लगा और वहां से जो ट्रेन पकड़ी उसमें 10 मिनट लगा, तो जल्दी से पहुंच गए। और यहां पे अपना सिटी टूर है तो वो होता है और वो दिखाते जाते हैं। तो वो देखो, वो सामने से अपन आए हैं और अपना सिटी टूर थोड़ा चालू हुआ है और अभी यहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स भी जानते हुए चलते हैं। और अभी थोड़ा यहाँ से लेफ्ट मुड़े। तो बेसिकली लैंडाउ में ना 46,900 पीपल रहते हैं, राइट। और एरिया वाइज कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, पर हाँ यहाँ की भी अपनी अलग खूबी और चीज़ें हैं, जो जैसे अभी पता लगा स्टार्टिंग में कि फोर्ट्रेस बना रहता है यहाँ पे। तो देखो अभी जैसे इस एरिया में आए हैं तो ये जो है ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राइट। ये देखो मस्त ऐसे यहाँ सिंबल लगा हुआ है, वाह, लैंड गिरिस्ट ये रहा। और उधर कोर्ट से रोड क्रॉस करके अब अपन आगे अपने अगले स्टॉप पे जाएंगे। अभी हम जहाँ पे हैं ये सेंट मैरी चर्च, सबसे बड़ा चर्च है वैसे यहाँ लैंडाउ का। ये देखो भाई गॉथिक स्टाइल में बिल्ड, काफ़ी मतलब सबसे बड़ा चर्च है बेसिकली लैंडाउ का। ये अभी क्लोज्ड है, लेकिन हाँ कहीं भी चले जाओ ये दिखेगा सिटी के किसी भी ऑलमोस्ट एरिया से। तो ये देखो भाई पीछे अपना ये सबसे बड़ा चर्च जो लैंडाउ का था वो है। अब सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं और चश्मा भी निकाल लिया क्योंकि धूप तो है अच्छी खासी आज। और आगे आगे देखते हैं और दिखाते जाते हैं। ये देखो इस टाइप अपना सिटी का एरिया जहाँ अभी अब हम वॉक कर करके आगे जा रहे हैं। अच्छी सिटी लग रही है वैसे, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है अलग अलग टाइप का। और आज डे भी काफ़ी सनी है वैसे। देखो अभी यहाँ आ गए, कहीं देखते हैं कौन सा एरिया है। ये रंजो फिश स्टोर एज आवर लास्ट स्टॉप एंड because this was the gate, the fortress went around this way and that way, so everything that we just walked by on this side was not part of Landau during that time, that has grown organically. And where up there behind this weird fence you can see King Louis the 14th, who is also known as the Sun King. So behind his face there's like sunbeams. Yeah भाई ये देखो क्या बढ़िया व्यू है। और ये व्यू देख के अब थोड़ी एक बात बताते हैं जो थोड़ा एक पता लगा है कुछ। तो अभी थोड़ी सी जो मैंने इन्फॉर्मेशन पूछी और पता लगी, जो पीछे है ना वो फ्रांजोसिशस टॉर है। टॉर मतलब होता है गेट, बड़ा दरवाज़ा। तो यहाँ पे क्या है जो मतलब फ्रेंच गेट टाइप का समझ लो उसको, जो लैंडाउ की सिटी है, राइट। जो मैंने स्टार्टिंग में हमें पता लगा था कि जो फोर्ट्रेस टाइप का है ना, तो पूरी जो सिटी है ना, जैसे फोर्ट्रेस होता है कि वॉल्स या अलग अलग अंश बना दिए और उसके अंदर सिटी है ताकि सिटी प्रोटेक्टेड रहे कोई भी अगर एनिमीज हो या कुछ हो, राइट। तो जो वो गेट था ना, वो गेट एंट्रेंस था जो फोर्ट्रेस सिटी है उसका। दूसरी चीज़, अभी शहर और बढ़ गया है समय के साथ, राइट। तो अभी उस शहर के, अभी हम जहाँ वॉक कर रहे हैं तो कुछ कुछ घर ये उसके बाद बने हैं, लेकिन अभी हम एक एरिया में जाएंगे कि जो फोर्ट्रेस के अंदर आता है और ओल्ड टाउन का एरिया कहलाता है, तो वो जाएंगे और वो भी दिखाएंगे। तो काफ़ी अच्छा अच्छा वैसे फैक्ट वगैरह भी पता लगता है यहाँ पे। तो भाई क्या तगड़ी गाड़ी। तो जब आते हैं, और शहर का एरिया छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन हर शहर के बारे में कुछ नए फैक्ट्स पता लगते हैं, नई नई हिस्ट्री होती है उस शहर की। तो ये जान के भी काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे हम सुनते हैं ना कहानियों में, तो और ऐसा होता भी है कि जैसे कोई सिटी है भाई, फोर्ट्रेस या वॉल्स बनाई हुई हैं क्योंकि पहले किंगडम था, किंगडम है और फोर्ट वगैरह है तो अपने शहर प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि शहर एक्सपेंड तो होता ही रहता है, हो जाता है,
तो इसीलिए कुछ शहर कहलाता है ओल्ड टाउन का, जो उस टाइम से है, और कुछ कहलाता है कि भाई जो उसके बाद बना, उस समय के बाद बना है, तो वो न्यू टाउन होता है। तो बस यही है, देखते हैं। और एक फेस्टिवल भी लगा हुआ है, उसे कहते हैं समर फेस्टिवल, जोमा फेस्ट, सिटी फेस्टिवल लैंडाउ का, तो वहाँ जाएंगे और वो दिखाएंगे। लेकिन काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो फ्रेंच गेट देख के। और स्टार्टिंग में जैसे मैप देखो तो उसमें दिखता है कि हाँ ये देखो, ऐसे छोटे छोटे वॉल्स या कुछ दिखते रहते हैं कि ये अभी भी फोर्ट्रेस का कुछ एरिया या उसके कुछ कुछ जो अंश हैं वो दिखते रहते हैं, तो बढ़िया है। अभी हम ज़रा फोर्ट देखने जा रहे हैं, काफ़ी ग्रीनरी। ये देखो जैसे यहाँ भी फोर्ट देखने जा रहे हैं, तो ये जो अभी मैं बात कर रहा था ना, ये जैसे एक दीवार फोर्ट्रेस की है, जो अभी हम जो मैं बता रहा था अभी, और जो इन्फॉर्मेशन पता लगी थी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या होता है जैसे अलग अलग जगह ये बनाते हैं, तो जैसे ये जो दीवार दिख रही है, कुछ कुछ जगह ऐसे दीवार दिख जाती है, तो ये फोर्ट्रेस के अंश हैं जो बीच बीच में दिखते हैं, जो बने थे उस टाइम सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइनली जो यूनिवर्सिटी लैंडाउ की, वहाँ भी पहुँच चुके हैं हम, यूनिवर्सिटी एरिया भी देख लेते हैं। ये यहाँ का पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है। या ये पूरा कैंपस काफ़ी अच्छा और अलग टाइप का यूनिवर्सिटी कैंपस है वैसे यहाँ का। तो बस अब यूनिवर्सिटीज थोड़ा आगे चल चुके हैं, और ये देखो भाई क्या मस्त ग्रीनरी और बढ़िया बर्ड। और ये थोड़े प्लेन वगैरह भी बढ़िया उड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ तो अच्छे। इस एरिया से अभी हम बस आ रहे हैं और आगे अपने अगले स्थान के लिए चलते जा रहे हैं। ये देखो, और यहाँ की देखो ग्रीन लाइट में कैमरे, बढ़िया काफ़ी यूनिक चीज़। ये देखो यहाँ की रेड लाइट में एक कैमल, ये देखो कैमल थोड़ा चेंज हो गया। बेसिकली यहाँ के ज़ू में जैसे कैमल्स हैं, तो ज़ू ने ना जैसे स्पॉन्सर किया रेड लाइट का सिंबल, तो रेड लाइट का और ग्रीन लाइट के सिंबल में कैमल है। याद होगा जब हम मेंस में थे, तो मेंस में भी एक बंदे छोटे से वैसी बंदे की तस्वीर थी, बच्चे टाइप की, रेड लाइट ग्रीन लाइट में। तो कुछ कुछ जगह ऐसे रेड लाइट या ग्रीन लाइट में अलग अलग फिगर्स या सिंबल्स कह सकते हैं वो होते हैं। तो भाई जैसे वो फ्रेंच गेट देखा था ना, वैसे देखो ये जर्मन गेट है, राइट। और यहाँ पे भी ऊपर किंग लुईस की फ़ोटो लगी हुई है। वहाँ हमने फ्रेंच गेट देखा, यहाँ हमने जर्मन गेट देखा, और बाउंड्री देखी फोर्ट्रेस की, जिसके बीच शहर है। लेकिन अब शहर और एक्सपेंड भी हो गया है। अब हम जा रहे हैं सिटी फेस्टिवल देखने, और वो दिखाते हैं, और क्या, और फिर कुछ कुछ खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। भाई ये यहाँ की डॉर्मेटोरी, ये देखो भाई क्या बढ़िया रिवर। तो हाँ अभी ज़रा यहाँ रेवे आए थे, अपना डाइट कोक ली, डाइट पेप्सी की वैसे, ज़ीरो शुगर, और अपना स्पार्कलिंग वाटर उठाया। अब कुछ आगे खाने चलते हैं। और फाइनली यहाँ पे अभी एक जगह पे आए, येलमास करके, यहाँ पे ये अपना डोनर खाने विदाउट सॉस। तो हाँ अपना डोनर खा के और ये पेप्सी ज़ीरो शुगर पी के, अब ज़रा जहाँ सिटी फेस्टिवल लगा है जोमर फेस्ट, वो देखने चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखो ये अपना सिटी सेंटर का एरिया है, और यहीं आगे चल रहे हैं। बढ़िया लग रहा है वैसे, थोड़े म्यूज़िक वगैरह की भी आवाज़ आ रही है, लगता है वहीं अपना फेस्टिवल। ये जैसे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो जनता। ये देखो भाई
on down. Pay me in the corner, I'll find my way out. Moral of the story, right? This is it. भाई ये यहाँ की स्पेशलिटी है डैम्प नूडल वनीला गेस्मैक अंटोनियो रिकमेंडेड वनीला गेस्मैक मेरी बहन ये देखो ये है डैम्प नूडल थोड़ा गरम सा है अभी और ये अपनी वनीला फ्लेवर की डिप है मस्त स्वीट होता है थोड़ा ये ओके ये देखो भाई डिप किया और मस्त इसे ट्राई करते हैं ये देखो भाई बस यहाँ से लौट रहे हैं ऐसी अलग अलग काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे देखो जैसे यहाँ ये टावर है तो यहाँ पे भी एक स्टेज ऐसे सेटअप हो रखा है और अलग अलग स्टॉल्स और खाने पीने की दुकानें लगी रहती हैं अभी जैसे यहाँ पे दूसरे स्टेज के पास जा रहे हैं तो बस यही अलग अलग जगह स्टेजेस लगे रहते हैं स्टॉल्स लगे रहते हैं खाने पीने के स्वीट्स के और जो स्पेशल डिश दिखाई थी उसके भी और ये है एंटोनियो तो ये देखो ये पूरा सिटी सेंटर का एरिया है यहाँ पे Come on, 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 come on
जिस मैप से शुरुआत की थी यहीं से अपना सिटी टूर चालू हुआ था और अब वापस बस हॉप ऑन ऑफ की तरफ पहुंच रहे हैं और फाइनली ट्रेन पकड़ के वापस अपने काइज़रस्लाउटर्न आकर कमरे में ही पहुंच गए। आई होप ट्रिप देख के मज़ा आया होगा, लैंडाउ की काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, उसके बाद सिटी फेस्टिवल था, मस्त पार्टी हुई, इन्जॉय किया काफ़ी और बस अब सोना है, जल्दी उठना है। क्यों कल बताते हैं और कल बात करते हैं, आज का लोग यही खत्म करते हैं। बाकी तो बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं तो कर दो। बाय बाय।